Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Children, today I will explain you chapter 13 and उसका चल रहा हमारा part 3 है ना, क्योंकि कल हमने chapter 13 के ही part 1 और 2 हमने कल read किए थे और समझे थे, है ना। ये chapter 13 आपका है बच्चों neighborhood buildings, है ना, कि हमारे आसपास में हमारे अड़ोस पड़ोस कौन कौन सी important buildings होती है जो हमारे use में आती है, है ना, जिनसे कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम भी पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। चलिए उसी के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुलिस स्टेशन, है ना। हमारी नेक्स्ट नेबर बिल्डिंग कौन सी बच्चों? पुलिस स्टेशन। देखा होगा बच्चों आपने पुलिस स्टेशन, हो सकता है आपके कभी घर के आसपास हो या फिर थोड़ा सा दूर हो, लेकिन ये भी हमारे नेबरहुड बिल्डिंग्स में आते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द सोसाइटी इज द पुलिस स्टेशन। द पुलिसमैन एंड द पुलिस वुमेन वर्किंग हेयर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। देखिए बच्चों, अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये, हमारा एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम पुलिस स्टेशन बोलते हैं। इसमें बच्चों पुलिसमैन और पुलिस वुमेन दोनों जॉब करते हैं ना। इस जॉब के लिए बच्चों पहले तो ओनली मैन ही सेलेक्ट होते थे, मतलब केवल जेंट्स के लिए जॉब होती थी, लेकिन आजकल है ना, आज के टाइम में यहाँ पे मैन और वीमेन बिल्कुल बराबर नंबर में यहाँ पे जॉब करते हैं ना। मतलब औरतों को भी इसमें बहुत इंटरेस्ट हुआ है और आजकल गर्ल्स और लेडीज़ भी इस जॉब के लिए सेलेक्ट होती है ना, ये जॉब वो भी करती हैं। तो वो यहाँ पे जो वर्क करते हैं और साथ में उनका मेन वर्क होता है कि जो हमारा लॉ और ऑर्डर होते हैं बच्चों, जो हमारे नियम वगैरह होते हैं, कानून जो होते हैं, उनको वो सोसाइटी से फॉलो करवाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, है ना। हमारे जो लॉ और ऑर्डर निकलते हैं, जो लॉ और ऑर्डर हमारे इंडिया के जो होते हैं, हमारी कंट्री के जो होते हैं, या स्टेट वाइज कुछ होता है लॉ ऑर्डर, तो उसको वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है द पुलिस मैन प्रेजेंट हेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग आवर लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। देखिए पुलिसमैन जो होते हैं बच्चों, पुलिसमैन हो या वुमेन हो, वो लोग हमारी जैसे हमारी देख रेख, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, है ना, हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे हमारी प्रॉपर्टी को लेकर समझ लो, या फिर हमारी प्रॉपर्टी की या हमारी लाइफ की, तो उन दोनों की हमारी सेफ्टी, हमारी गार्डिंग वो करते हैं, मतलब हमारी सेफ्टी के बारे में, हमारी सुरक्षा का वो पूरा ध्यान रखते हैं, फाइन। चलिए इसमें आगे देखते हैं। देयर आर मैनी रूम्स इन द पुलिस स्टेशन, मोस्ट ऑफ देम आर द लॉकअप्स फॉर कीपिंग द क्रिमिनल्स, सम अदर रूम्स आर फॉर द पुलिस ऑफिसर्स। देखिए एक पुलिस स्टेशन आपने देखा होगा बच्चों, बाहर से भी देखा होगा, कभी आप अभी हो सकता है आप लोग छोटे हैं तो कभी आपने अंदर से नहीं देखा, लेकिन इसमें होता क्या है बच्चों कि जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें कुछ रूम बने होते हैं ना, कई सारे ऐसे रूम भी होते हैं जिसमें कि जिसमें कुछ तो लॉकअप्स कहलाते हैं, है ना। लॉकअप्स होते हैं कि मतलब जहाँ पे उसमें कोई क्रिमिनल है या कोई थीव्स वगैरह है ना, जो भी व्यक्ति जो सोसाइटी के विरुद्ध काम करता है ना, लॉ और ऑर्डर को तोड़ता है, उसके अगेंस्ट वो कोई काम करता है, तो उनको मतलब वो उनको पुलिस वाले पकड़ते हैं और उस लॉकअप्स में वो डाल देते हैं, उसमें लॉकअप्स में बंद करके रखते हैं ना। तो कई तो उसमें रूम्स होते हैं वो लॉकअप्स के होते हैं, और कुछ रूम्स होते हैं जो पुलिस ऑफिसर के यूज़ में आते हैं, वो डेली उसमें अपनी ड्यूटी करते हैं, वहाँ बैठ के अपने लॉ ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, और जो भी हमारे से रिलेटेड, जो हमारे सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं और करवाते हैं, है ना। तो वो क्रिमिनल्स वगैरह जो होते हैं उनको वहाँ पे वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे रूम्स बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें है, थस ऑल टुगेदर ए पुलिस स्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी मीन्ट फॉर आवर सेफ्टी। तो इसलिए पुलिस स्टेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी के लिए, और वो कौन सा इम्पॉर्टेंट रोल है, वो हमारा सेफ्टी का, है ना। हम सब की सेफ्टी, हम सब की सुरक्षा, हम सब का ध्यान रखना उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया बच्चों, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बैंक। इसमें हम रीड करते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी इज ए बैंक। वी कैन कीप आवर मनी एंड द अदर वैल्यूएबल थिंग्स सेफ्टी इन द बैंक। वेन एवर वी नीड मनी वी कैन विदड्रॉ इट फ्रॉम द बैंक, है ना। देखिए बच्चों, हमारे सोसाइटी में बैंक भी होता है, ये भी हमारे नेबरहुड बिल्डिंग्स में आता है बैंक। बच्चों आपने देखा भी होगा और आपने नाम भी अच्छे से सुना होगा बैंक, जो कि हमारी मनी को सेफ रखने में यूज़ आता है, है ना। जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है ना, हमारे पास पैसा है, और उसके अलावा हमारी और भी वैल्यूएबल थिंग्स होती है, जैसे कि गोल्ड आइटम्स वगैरह या प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ सेफ रख सकते हैं, बैंक में,
बैग, क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम अपने घर पे रखते हैं तो उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती है बच्चों, क्यों? जब तक हम, जैसे हम घर पे हैं, है ना, तो चलो हमने ध्यान रख लिया हमारे, जैसे हमने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स है उसको हम ध्यान रख के रख सकते हैं, लेकिन कभी किसी काम से हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ सकता है ना, या हम घर से, हमको घर को लॉक करके कुछ दिनों के लिए जैसे कहीं बाहर चले जाते हैं, तो फिर पीछे से घर को कौन ध्यान रखेगा, है ना? तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, बैंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बैंक हमारी बहुत मदद करते हैं, जैसे कि हम अपनी, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है, तो वो हम उस बैंक में, हमारे वहाँ पे लॉकअप्स होते हैं, वहाँ पे हम सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो भी गोल्ड वगैरह होते हैं हमारे, है ना, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह होते हैं, वो सब हम वहाँ पे सेफली रख सकते हैं, वहाँ पे किसी तरह की वरीड करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें वहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारे ये, हमारा जो भी हमारा पैसा वगैरह है तो वो सेफ है या नहीं है, है ना, कहीं गुम ना जाए, तो ऐसा वहाँ पे नहीं होता है ना, ये चीज़ें वहाँ पे सेफ रहती है, फाइन। और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर्स में देर आर नंबर्स ऑफ रूम इन द बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूम्स आर दोज विच हैव द लॉकर्स फैसिलिटी, दीज आर स्ट्रॉन्ग रूम्स। देखिए बैंक में भी बच्चे बहुत से रूम्स होते हैं, है ना, जिसमें कि वहाँ के जो बैंक के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो जो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे अपना बैठ के अपना जो भी उनकी ड्यूटीज़ होती है, जो भी उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है वो वहाँ पे करते हैं। जैसे हमको, हमने वहाँ मनी सेव कराई है या सेफ रखी है वहाँ पे, तो उसको हम विड्रॉ करने जा रहे हैं, हमको पैसा वापस चाहिए, थोड़ा निकलाना है, तो हम वहाँ जाके बैंक से वापस ले भी सकते हैं, वहाँ पे उसमें सेव भी करा सकते हैं, वापस जमा भी कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से उनसे हम लोग चेक से रिलेटेड है या हमारे पार्सल से रिलेटेड है, और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे वर्क होते हैं जो हमारे बैंक में हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों वहाँ पे लॉकर्स फैसिलिटी होती है ना, बहुत से रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लॉकर्स दिए हुए होते हैं, तो जब भी कोई अपनी वैल्यूएबल थिंग्स है या इंपॉर्टेंट हमारी बहुत कीमती चीज़ें होती हैं तो उन लॉकर में हम सेफ रख सकते हैं, है ना। वहाँ पे आपको लॉकर अप्रूव हो जाते हैं तो आप वहाँ पे अपनी चीज़ें रख सकते हैं, और जब आपको चाहिए तब आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं वापस से, ठीक है। और ये जो लॉकर्स होते हैं बच्चों बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, जिसको कि कोई भी ऐसे ही खोल भी नहीं सकता या कोई भी उनको तोड़ नहीं सकता, फाइन। नेक्स्ट ये है, वी कैन कीप आवर वैल्यूएबल थिंग्स सेफली इन द लॉकर्स ऑफ द बैंक। देयर इज़ ए बिग सेंट्रल हॉल इन ए बैंक, देयर आर सेवरल कैबिन्स और काउंटर्स वेयर द स्टाफ मेंबर्स सिट एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज। द मैनेजर सिट्स इन द मैनेजर्स रूम्स एंड लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। देखिए बच्चों वहाँ पे बैंक के अंदर कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा सेंट्रल हॉल होता है, एक बड़ा सा रूम बीच में होता है सेंट्रल हॉल, जिसमें कि बहुत से ऐसे कैबिन्स और काउंटर्स बने होते हैं, है ना, अलग अलग कैबिन भी होते हैं और काउंटर्स भी होते हैं, जहाँ की, जहाँ पर कि वो जो बैंक के जो स्टाफ मेंबर होते हैं बच्चों, वो वहाँ पे बैठते हैं और अपनी अपनी जो भी ड्यूटीज़ होती हैं उनको वो परफॉर्म करते हैं, है ना। सबका अलग अलग डिफरेंट वर्क होता है, कोई क्या वर्क करता है, कोई क्या वर्क करता है, तो वो उन काउंटर्स पे या उन कैबिन्स पे वो वहाँ पे बैठते हैं और अपना ड्यूटी को पूरे बिल्कुल लीगली वो लोग परफॉर्म करते हैं, फाइन। इसके अलावा बच्चों बैंक में जो सबसे हेड होता है वो होता है बैंक मैनेजर, है ना, उस बैंक का जो भी हेड होता है, जैसे जो भी स्टाफ उनके अंडर में वर्क करता है वो होता है बैंक मैनेजर। तो बैंक मैनेजर का बच्चों अलग से एक रूम होता है, है ना, बैंक मैनेजर का क्या होता है बच्चों, अलग से एक रूम होता है जिसमें कि वो बैठते हैं वहाँ पे, उस रूम में आके बैठते हैं और वो अपना जो भी उस बैंक में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं वहाँ पे, जो भी काम किए जा रहे हैं उनको वो पूरा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया बच्चों मॉन्यूमेंट्स। देखिए बच्चों मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम रीड करते हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द सोसाइटी आर मॉन्यूमेंट्स, दीज आर बिल्डिंग्स लाइक फोर्ट्स, टॉम्स, टेम्पल्स, प्लेसेस, ग्रेव्स एटसेट्रा। दीज मॉन्यूमेंट्स आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स आर द ताजमहल, रेड फोर्ट, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हवा महल एटसेट्रा। देखिए बच्चों मॉन्यूमेंट्स वो होते हैं जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक वगैरह होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कभी कभी हमारे घरों के आसपास देखने को मिलते हैं, है ना, जैसे कि इनमें, जैसे आप जानते होंगे ताजमहल, आपने नाम सुने होंगे इन सब चीज़ों के, है ना, ताजमहल है, लाल किला है, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हवा महल, ये सब आपने नाम सुने होंगे, और हो सकता है आप लोग यहाँ पे कभी घूमने भी गए हो, है ना, कभी कभी आप विजिट करने गए हो या घूमने गए हो, है ना, तो आप लोगों ने देखे भी होंगे, और नहीं देखे हैं तो हो सकता है अब आगे आप लाइफ में, फ्यूचर में आप इनको देखें। तो ये हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं बच्चों कि जिनको देख के हम अपने हिस्ट्री के बारे में
पुराने समय के बारे में हम जान सकते हैं कि देखो पिछले पुराने समय में क्या क्या हमारे इंडिया में था, क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें थी, किस किस ने इनका इनको फाउंडेशन किया है, किन किन ने इन लोगों को इन चीज़ों का निर्माण करवाया है और किस तरह से करवाया था, है ना। तो ये किस और ये चीज़ें किस यूज़फुल है, मतलब क्या काम आती है या किस पर्पज़ से ये बनाई गई थी, है ना। तो इस तरह के कई मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो आपने देखे भी होंगे या आने वाले फ्यूचर में आप देख भी सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट दिया इसमें। इसमें बच्चों कृपया नहीं देखिए, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स। देखिए बच्चों, ये मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत भी होते हैं, सुंदर होते हैं, उस समय की बने हुई चीज़ें होती हैं। तो आप देख के समझ सकते हैं कि उस समय भी कितनी अच्छे से ये चीज़ें बनाई जाती थी, है ना। चलिए नेक्स्ट है वर्शिप प्लेसेस, मतलब हमारे पूजा का स्थान कौन कौन से होते हैं जहाँ पे कि हम प्रे कर सकते हैं जाके, वो कौन से हैं। देयर आर सम वर्शिप प्लेसेस इन द सोसाइटी ऑल्सो, द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स गो टू देयर ओन वर्शिप प्लेसेस एंड प्रे टू गॉड ओवर देयर। सम ऑफ द वर्शिप प्लेसेस आर टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क्यूज एंड द चर्चेस। देखिए बच्चों, हमारे वर्शिप प्लेसेस मतलब हमारे पूजा के स्थान जो हैं, तो वहाँ वो भी हमारे बिल्कुल नेबरहुड बिल्डिंग्स में आते हैं। जैसे कि हमारे घरों के आसपास भी आपने देखे होंगे मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होती हैं, चर्च भी होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपने देखी भी होगी, कई बार आप गए भी होंगे, अंदर भी गए होंगे और वहाँ जाके आपने प्रेयर भी की होगी, है ना। तो ये हमारे जब भी हमें नीड होती है या जब भी कुछ लोग तो रेगुलर रूटीन में भी, है ना, इस जगह जाते हैं और गॉड से प्रे करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, है ना। तो ये एक ऐसी अच्छी अच्छी प्लेसेस होती है बच्चों की, जहाँ पे बहुत अच्छा लगता है लोगों को जाना। टेम्पल्स होते हैं, गुरुद्वारा वगैरह होते हैं, है ना, और मस्जिद और चर्च वगैरह होते हैं। और जैसे उसी में से एक फेमस है बच्चों, गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में, आपने देखा भी होगा कभी, आप हो सकता है गए हों विजिट करने, तो आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में सिचुएटेड है। तो वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, वो गोल्ड से बना हुआ पूरा टेम्पल है ना। वहाँ पे उस पर सोने का वर्क किया है, गोल्ड का वर्क किया है, इसलिए उसको हम बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। तो बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट भी वहाँ आते हैं, उसको देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है उनको जाना, वहाँ प्रेयर करना उनको बहुत पसंद अच्छा लगता है ना, सुकून मिलता है, बहुत सुंदर लगता है। और साथ में उसको देख के वो लोग बहुत खुश भी होते हैं, कितना खूबसूरत से वहाँ पे टेम्पल बना हुआ है। फाइन, चलिए नेक्स्ट इसमें दिया है, थस इन द दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड वेरियस प्लेसेस इन द सोसाइटी, ईच हैज इट्स डाउन ओन इम्पोर्टेंस, वी शुड टेक केयर ऑफ देम एंड प्रोटेक्ट देम सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ देम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने, चैप्टर 13 में हमने सारी अपनी जो भी ये हमारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना, बहुत अलग अलग तरीके वेरियस तरीके की जो प्लेसेस है जो कि हमारी सोसाइटी में पाई जाती है, सोसाइटी में देखने को मिलती है और जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है ना, हमने उसको पढ़ा देखा। और एक हमारी ड्यूटी भी होती है बच्चों कि इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें, इनको अच्छे से सेफ रखें, इनको मेंटेन करके रखें, इनको प्रोटेक्ट करें हम, ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें हमारे साथ में रह सके, है ना, लंबे समय तक ये चीज़ें बनी रह सके, ताकि आने वाली जनरेशन होती है वो भी इनको देखे और इनके बारे में जाने और वो खुश होए, है ना, वो भी इनसे समझे इन चीज़ों को। फाइन, तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर, आप इसको रीड करना फिर से, अच्छे से समझना, फिर मैं और जो डेली मैं आपको बच्चों PDF सेंड कर रही हूँ वो अपनी नोटबुक में आप करते जाइए, है ना, ये सेकंड टर्म की PDF चल रही है तो उसको आप नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि जब भी स्कूल होंगे ओपन तो हम उनको करेक्शन करेंगे। फाइन, थैंक यू।